12 सालों के लंबे समय से दुनिया भर में जानी पहचानी जाने वाली एयू बैंक जयपुर मैराथन में दुनिया भर के 100 देशों में करीब 1,00,000 से ज़्यादा लोग वर्चुअल दौड़ लगाएंगे। संस्कृत युवा संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस बार की मैराथन कोविड की वजह से पूरी दुनिया के लोग उत्साहपूर्वक वर्चुअल दौड़ लगाएंगे और 2021 की मैराथन की सबसे ख़ास बात यह रहेगी कि सुबह 4 बजे पहली बार दुनिया के किसी स्टेडियम में लोग 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे। ऐसे में से स्टेडियम में फुल दौड़ लगाने के लिए लोग पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि विदेश के लोगों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा और देशवासियों को मेडल भेजे जाएंगे। स्टेडियम में दौड़ने वालों को ऐसे में से स्टेडियम में ही मेडल दिए जाएंगे। जयपुर में 250 पॉइंट दौड़ के लिए बनाए हैं और शहर के हर कोने से लोग दौड़ेंगे। बताइए भाई साहब, जो अब जो प्रोग्राम होने जा रहा है। देखिए, आगामी 14 फरवरी को इस बार एयू बैंक जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 12 साल का एक लंबा सफ़र इस मैराथन का रहा है और इस वर्ष भी मैराथन में एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि कोविड का समय है तो हम लोगों ने तय किया कि इसको वर्चुअल रूप से भी आयोजित करें। साथ ही इसमें स्टेडियम पर लोग दौड़ लगाएंगे, लोग अपने जो है ट्रेडमिल पर दौड़ लगाएंगे, पार्क में दौड़ लगाएंगे, लेकिन दौड़ेंगे। अपना शहर जयपुर मैराथन के रूप में पूरा शहर दौड़ता हुआ दिखेगा। साथ ही 100 देशों से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं पहली बार इस मैराथन के अंदर। 250 पॉइंट हमने जयपुर में तय किए हैं जहाँ लोग दौड़ लगाते सुबह सुबह दिखेंगे आपको, और 50,000 से अधिक लोग इसमें दौड़ लगाते दिखेंगे। तो इस बार की मैराथन कोविड का समय हम लोगों ने तय किया है कि इसको वर्चुअल माध्यम से ज़्यादा करेंगे। ऐसे में स्टेडियम में लोग दौड़ लगाएंगे। ये पहली बार हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कि पहली बार कोई स्टेडियम में मैराथन का आयोजन हो रहा है, हमेशा रोड पर होता है। 2021 में ये पहली मैराथन है पूरे वर्ल्ड की जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। भाई साहब, टाइमिंग कुछ रखा है फिक्स के ये टाइमिंग से सुबह मैराथन फुल मैराथन 42 किलोमीटर की 4 बजे रवाना हो जाएगी, फिर 5 बजे 21 किलोमीटर की रवाना हो जाएगी। जो हमारा फिक्स शेड्यूल है वो वैसे का वैसा रहेगा। 8 बजे हमारा इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा, मेडल्स भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, जो सिस्टम पूरा है वो पूरा फॉलो किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात, इस बार की मैराथन में 1,00,000 से अधिक लोग वर्चुअल जुड़ेंगे। ये सर्टिफिकेट और ये मेडल्स वगैरह किस तरीके से आप लोगों को देखिए, जो बाहर के लोग हैं वो उनको सर्टिफिकेट ऑनलाइन भेजा जाएगा, जो इंडिया के लोग हैं उनको मेडल भेजे जाएंगे, और जो स्टेडियम में दौड़ लगा रहे हैं उनको वहीं स्टेडियम में दिया जाएगा। ये जो हमारे कस्टमर्स थे जो कि आउट ऑफ जयपुर थे, तो उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, क्योंकि मुझे बड़ा प्राउडली महसूस होता है ये बताते हुए कि इस 12th एडिशन ऑफ मैराथन में दिस इज़ फॉर द 6th टाइम जब हम भी एसोसिएट हो रहे हैं, और इसीलिए इसको एयू बैंक मैराथन कहा जाता है। तो उसके चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत हुआ 19-20, अब है 21, और इस 21 के चलते हुए बिकॉज लाइफ काफ़ी न्यू नॉर्मल हो गई है, तो आई एम श्योर जो लोगों का एंथुसियाज्म है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस को हमें ध्यान में रखना है, उसके चलते हुए ऑन एसएमएस स्टेडियम डेफिनेटली वो चीयरशिप रहेगी, काफ़ी लोग दौड़ेंगे एज पर नॉर्म्स दौड़ेंगे। बट बिगर पिक्चर में ये है कि इस हेल्थ रिजीम के चलते हम अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉइज को जो वंचित रह जाते थे, वो डेफिनेटली इसकी बात मैराथन को फुली इन्जॉय करेंगे। अपने एक बार परिचय Thank you.